हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हाउ टू यूज़ वेइंग बैलेंस, कि किस तरह से हम वेइंग बैलेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट या एज ए लेबोरेटरी स्टूडेंट और स्कॉलर, कि वेइंग बैलेंस का कितना ज़्यादा यूज़ होता है हमारी लैब्स के अंदर। बेसिकली वेइंग बैलेंस, जैसे कि हम बैलेंस का वेइंग बैलेंस का यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज़ को वे करने के लिए, ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी में भी हम न्यूट्रेंट अगार मीडिया बनाना है या कोई भी मीडिया बनाना है अपने माइक्रोब्स के लिए, बफर सॉल्यूशन बनाना है या हमें कोई रिएजेंट तैयार करना है उसके लिए हमें किसी केमिकल को वे करना है, तो हमें किसका यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा वेइंग बैलेंस का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पूरा एक वेइंग बैलेंस है और इस वेइंग बैलेंस में यहाँ पे पावर बटन दिया गया है। ये देखिए, हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, इसको ये वाले जो लीड है, ठीक है, इसको हटाना है, क्योंकि हमें जब कोई भी चीज़ वे करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस पर हम कोई पेपर रखते हैं जिसकी वजह से हम उस पर वो चीज़ वे कर सके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हम टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर सिंपल सा कोई पेपर लेके आप ऐसे रख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैंने इस पे पेपर रखा तो इसका क्या हुआ, वेट चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आपका वेट है वो आ रहा है 0.081 ग्राम। तो अब हमें, जब हमें कोई भी केमिकल बनाना है या कोई भी रिएजेंट तैयार करना है या अपना कोई भी माइक्रोबियल कल्चर के लिए मीडिया तैयार करना है, तो अगर इस तरह की मिस्टेक हम करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारे जो रिएजेंट के कंपोनेंट है उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ 3 ग्राम डालनी है तो वो क्या, कितने डालोगे आप, 3 ग्राम से कम डालोगे, क्योंकि 0.81 ग्राम इसमें ऑलरेडी वेट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको टेयर करना है। जैसे ही आप टेयर करोगे तो ये जो पेपर का वेट है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये ज़ीरो दिखाने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ मेज़र करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए, अब हम बैलेंस करने वाले हैं वेइंग बैलेंस का यूज़, तो हमें क्या करना है, इस लिड को उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे आप देख रहे होंगे कितना दिखा रहा है, 0 ग्राम दिखा रहा है। ओके, फिर हमें क्या करना है, मान लो अगर मुझे 0.1 ग्राम कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, अपना वो जो रिएजेंट है या अपना जो केमिकल कंपोनेंट है उसको मैं लूँगी और इस पर डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। अब देखो, नीचे रीडिंग चेंज हो गई है, यहाँ पे ये 0.535 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग आ रही है, अब मुझे कितना लेना है, 0.1 ग्राम लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से निकाल देंगे और उसको बैलेंस करते हुए 0.1 ग्राम इसमें दिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं रीडिंग इसकी आ रही है 0.120, ठीक है। तो हम हल्का सा और कम करके इसकी पूरा 0.1 इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब 0.11 हो गई है, अब इसको हल्का सा और इसमें से उठा दो तो आपकी 0 पॉइंट ईजिली हो जाएगी। हम इसमें छोटे स्पैचुला का यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है तो इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको निकालना, वरना हम इसी तरह से क्या कर लेते हैं, 0.117 ये दिखा रहा है, इसको हम 0.1 पे लेके आ जाएंगे इजीली और हमारा ये जो सॉल्ट, जितना भी हमारा ये सॉल्ट है ये यहाँ से निकल जाएगा, जो कि मैं रिएजेंट बनाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, अब ये 0.10 यानी कि 0.1 जितना हमें चाहिए था उतना ये आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।